जयपुर ने ऐसा कभी नहीं देखा। पहली बार जयपुर को यह दृश्य दिखाई दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के गणतंत्र दिवस परेड से पहले सांस्कृतिक शोभा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए वहां के नागरिकों के साथ रूबरू हुए हैं। ये भारत है, ये भारत की विविधता है, ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, ये भारत का विश्वास है जिसमें हम विरासत और विकास को एक साथ ले जा करके अपने नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग पर बढ़ावा देना चाहते हैं। सांस्कृतिक धरोहर से शुरुआत करते हुए आज हम बात विकास की भी करेंगे। जब यात्रा खत्म होगी इस हेरिटेज रोड शो की तो हम बात करेंगे विकास के उन मुद्दों पर जो दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम बात करेंगे उन वैश्विक मुद्दों की जो नई दिशा देंगे संपूर्ण विश्व को। हम बात करेंगे उन संबंधों की, हम बात करेंगे उस नए युग की जहां पर ये दोनों ही राष्ट्र और भी ज्यादा करीब होते हुए दिखाई देंगे। स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को, बर्लिन, हर कोई देख रहा है कि ये दोनों नेता क्या कुछ करते हैं। और बड़ी बात, अमृतपाल सिंह जुड़े हुए हैं हवा महल से जहां पर इस शोभा यात्रा का समापन होगा। अमृत, क्या कुछ देख पा रहे हैं इन दृश्यों में? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है क्या, पूरी दुनिया के लिए ये अभूतपूर्व तस्वीरें जो हैं उनका मतलब है क्या, ये समझाएं हमारे दर्शकों को। अमृतपाल सिंह, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये दृश्य वाकई अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं। किस तरह से विश्व के दो बड़े नेता एक साथ जयपुर में इस वक्त मौजूद, और भारत का भविष्य, चाहे वो डिफेंस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के संबंध लगातार समृद्ध होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं अमृत? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको, आपकी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अमृत, इन तस्वीरों को जरा हमें समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से जयपुर की सड़कों पर विश्व के दो दिग्गज नेता एक साथ देख रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, और लोग भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कैसे देखा जाए विश्व की दो शक्तियां एक साथ? विश्व की दो शक्तियां एक साथ तो हैं ही जयपुर की सड़कों पर लोगों की आवाज सुन रहे हैं आप पीछे। हजूम जो उमड़ा है इस गुलाबी शहर की सड़कों पर, उनमें उनकी आवाज में जो बुलंदी है, वो कल मैक्रॉन साहब कर्तव्य पथ पर बैठेंगे और स्टेट की जो मिलिट्री माइट होती है या भारत की जो ऑफिशियल कल्चरल हम कोशिश करेंगे आपके ऑडियो को थोड़ा सा बेहतर करने की अपने दर्शकों के लिए, लेकिन आज ये जो तस्वीरें देख रहे हैं समझ रहे हैं नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री वो बीच बीच में वो कुछ पूछते भी जा रहे हैं उसके बारे में कि वो चीज़ क्या है जो रोचक तरीके से उनको जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं उनको समझाने का। मैक्रो ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि मोदी मोदी की ये जो आवाज़ आ रही है इतनी पॉपुलरिटी कैसे, और दोनों ही नेताओं के बीच में एक सिमिलैरिटी ये है कि लगातार दो बार अपने अपने राष्ट्र को नेतृत्व देने का मौका मिला है। इमैनुअल मैक्रों भी दूसरी बार चुने गए लगातार, प्रधानमंत्री मोदी को भी मौका मिला भारत की सेवा करने का। तो इस वक्त मैक्रों मोदी मोदी की आवाज़ सुनकर के उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा रहे होंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश की विरासत को इमैनुअल मैक्रों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बताने की कोशिश शायद ये कर रहे होंगे कि देखिए ये मेरा एक छोटा सा शहर है और कितना प्यार, कितनी आत्मीयता, कितने गर्मजोशी के साथ यहाँ लोग मिलते हैं अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, इस परंपरा को जीने वाला ये भारत, इस भारतवर्ष का शहर और इस शहर का एक एक व्यक्ति अपने अतिथि के स्वागत में किस तरह से अपने घरों को छोड़ करके इस सर्दी की रात में बाहर निकलता है और जगमगाते जयपुर के बीच स्वागत के लिए तैयार है, न केवल मोदी मोदी बल्कि इमैनुअल मैक्रों की भी स्वागत की जो पूरी तैयारियां की गई हैं उसका मुजाहिरा इस वक्त आपको गुलाबी नगर की खूबसूरत सड़कों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, गुलाबी ठंड के बीच गुलाबी शहर, गुलाबी नगर के लोग
अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अतिथि नेता फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों को उनका वेलकम कर रहे हैं, ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पुष्प की बारिश हो रही है। और इन्हीं तमाम तस्वीरों को भारत का, जैसा कि आपने कहा, अतिथि देवो भव, उन्हीं बातों को चरितार्थ करते हुए एमैनुअल मैक्रों भी समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह से भारत की जनता, यहाँ के लोगों का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो उन पर लुटाया जा रहा है। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं, पुलिस के लोग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। और जगह जगह आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से भारत फ्रांस मैत्री संबंध से संबंधित जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं, और इस संबंध को कि जो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात लगातार हम कर रहे हैं, किस तरह से भारत और फ्रांस के संबंध आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में एक और नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी, वो फ्रांस के राष्ट्रपति, ऐसे विश्व के पहले नेता जो कि साल 2024 में, मेरे ख्याल से वो पहले नेता हैं जो कि भारत की सरजमी पर आए हैं, और इतने बड़े फंक्शन में जो कि कल वो शामिल होंगे, तो ये भी एक तौर पे कहा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते किस तरह से नई ऊंचाइयों पर छूते जा रहे हैं। और इन तस्वीरों में जयपुर की जनता उनके स्वागत के लिए वहां पे इतनी ठंड में भी, जबकि अब शाम के 7 बजने वाले हैं, वहां पे वो मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए। आपसे कुछ ही देर के बाद वो हवा महल पहुंचेंगे, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये देखिए इस होर्डिंग्स में इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप को लेकर यहाँ पे चर्चाएं की जा रही हैं। तो ये डॉक्टर अंशु बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के जरिए भारत इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो संबंध मजबूत हैं उसको एक और नए अध्याय तक पहुंचाने की कोशिशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर पर जब हम भारत और फ्रांस के संबंधों को देखते हैं तो एक विश्वास की कड़ी है, बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, जो दोनों ही देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक अलग किस्म की मैत्री के बंधन में बांधती है। और उसी को ये दोनों जो शक्तिमान नेता मुझे इस समय नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से लोग जयपुर के उनका झूम झूम कर अभिवादन कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा विहंगम दृश्य मैं कहूंगी, और वैश्विक राजनीति की दृष्टि से भी, और दोनों ही देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको भी आगे ले जाने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य। देखिए पोस्टर दिख रहा है माननीय प्रधानमंत्री का, लीडर ऑफ भारत, मेरा भारत लीडर ऑफ भारत। और जो हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से इंडिया को भारत के तौर पर पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, उसका कहीं ना कहीं बड़ा एक ये सुंदर मुझे दृश्य दिखाई पड़ रहा है। लोग अभिवादन कर रहे हैं, और ये एक लीडर्स टू पीपल कनेक्ट होते हुए मैं देख पा रही हूँ। और हम देखते हैं कि कैसे जब हम भारत फ्रांस संबंधों की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल पिलर, इंफ्रास्ट्रक्चरल पिलर, इकोनॉमिक पिलर और एकेडमिक पिलर, ये चार ऐसे स्तंभ हैं जिस पर दोनों ही देशों के सामरिक संबंध प्रगाढ़ होते चले आए हैं। यहाँ मैं एक और स्तंभ जोड़ना चाहती हूँ, पीपल्स पिलर। जिस तरह से लोग अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और जिस प्रकार से जयपुर की गुलाबी धरती को मैक्रों ने देखा होगा तो अभिभूत तो वो भी हुए होंगे। और मुझे लगता है कि ये जो एक सांस्कृतिक संबंध दोनों ही देशों के हैं, ये एक सामरिक संबंधों के नए अध्याय के रूप में फलित होते हुए हमें निश्चित तौर पर नजर आएंगे। एम्बेसडर गुरजीत सिंह, जब हम कहते हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्शन और कनेक्ट, इन तस्वीरों के जरिए भारत इस बात को एक बार फिर से दर्शा रहा है और समझा रहा है कि न सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमी पर बल्कि सात समंदर पार भी जो इंडियन डायस्पोरा है उसका कितना अहम रोल है दो देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में। और यहां तो फ्रांस की बात हो रही है, तो इंडियन डायस्पोरा चाहे वो यहां हो या फिर यहां से बाहर हो, एक बहुत ही अहम रोल, एक अहम कड़ी के तौर पर वो साबित होती है। आप इस सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जयपुर से, जहां पर दोनों नेता लोगों से मिलते हुए और लोगों के हाथों में मोबाइल फोन्स, सभी लोग इस ऐतिहासिक क्षणों को अपने कैमरे के जरिए कैद करने की कोशिश करते हुए, लोगों के हाथों में दोनों देशों के झंडे, दोनों देशों के बीच संबंधों को दिखाते हुए पोस्टर्स,
मैक्रो को भी लग रहा होगा थोड़ी अगर हिंदी उन्हें आती तो शायद उनको समझ में आता कि मोदी मोदी के अलावा और लोग क्या कह रहे हैं। हालांकि ये जो तो भाषा है ना, दोनों देश भाषाई तौर पर भी और थोड़ा नजदीक आए इसकी कोशिश होनी चाहिए। ये अजय दिल की भाषा है, जिस तरह से लोग वहाँ पे प्यार लुटा रहे हैं, किसी भाषा की दोनों ही देशों की भाषाएं आपस में प्रचारित प्रसारित हो रखे हो इसको लेकर के 2020 से बड़े एमओयूज और अग्रीमेंट्स पे दोनों देश काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी और संस्कृति के क्षेत्र में भी। इसी का आपने, और जिस तरह से 16 अगस्त 2022 की बात की जाए तो प्रेसिडेंट मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी ने G7 के इतर मुलाकात की थी, उसके बाद 2022 में उन्होंने इंडोनेशिया बाली में G20 समिट के इतर द्विपक्षीय वार्ता की, फिर मौका आया फरवरी 2023 का जब उन्होंने ऐतिहासिक एयरबस और एयर इंडिया के बीच करार को वर्चुअली संबोधित किया और उसका हिस्सा बने। हिरोशिमा में G7 के बैठक में एक बार फिर से उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के मुद्दों को रखा और साइडलाइंस पर बातचीत की। फिर वो जब वो डेनमार्क से प्रधानमंत्री वापस लौट रहे थे तो पेरिस में वो रुके, और जब दूसरी बार लगातार इमैनुअल मैक्रों चुने गए तो पहले वर्ल्ड लीडर बने उनसे मिलने वाले। 1 मार्च 2022 को उन्होंने यूक्रेन संकट को लेकर के, वहाँ की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को लेकर के उनसे बात की। वार्ता तो कई बार कई चरणों में होती रही है। इन फिजिकल एक व्यक्तिगत तौर पर भी ये दोनों नेता सबसे ज़्यादा मिलने वाले नेताओं में शामिल रहे हैं, और इसलिए ये जो केमिस्ट्री है, ये जो मित्रता है, हम बार बार कह रहे हैं कि दोनों देश एक बड़े मित्र के रूप में आ रहे हैं। न केवल भारत, न केवल फ्रांस, बल्कि पूरी दुनिया की इस पर निगाहें होंगी कि इन दोनों देशों की मैत्री, इन दोनों नेताओं की मैत्री का मतलब है क्या, कैसे इन दोनों देशों का और ज़्यादा करीब आना विश्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है, चाहे वो G20 का मुद्दा हो या G7 का। इस तरह से दोनों महाशक्तियों की आवाजें कैसे इंपॉर्टेंट हो चली हैं पूरे वैश्विक परिदृश्य के लिए, और बदलते हुए भू राजनीतिक परिदृश्य में कैसे ये दोनों महाशक्तियां और करीब आकर के नई दिशा दे सकती हैं। जब तक आप अपने, कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इतिहास को समझना, अपनी विरासत को समझना, जब तक आप अपने इतिहास को समझते नहीं आप अपने भूगोल को बदल नहीं सकते। भूगोल को बदलने के लिए या भूगोल को बनाए रखने के लिए, भूगोल के संरक्षण के लिए आपको अपने इतिहास की इतिहास को समझने के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है, और यही विरासत, यही संस्कृति जिसे हम सजो करके रखना चाहते हैं और विकास के साथ उन सांस्कृतिक मूल्यों को अपने हृदय में बसा के रखना चाहते हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको जयपुर की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। और डॉक्टर अंशु, ये सवाल जो मैंने डॉक्टर एम्बेसडर गुरजीत से पूछा था कि ये जो इंडियन डायस्पोरा है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी दो देशों के संबंध में, निश्चित तौर पर। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों में जोश और उत्साह का माहौल है। कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को जब फ्रांस में जो मौजूद भारतीय लोग हैं वो जब देखेंगे, किस तरह से क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, और जो संबंध है वो कितने प्रगाढ़ होंगे इसके साथ? देखिए, यदि हम फ्रांस में भारतीय डायस्पोरा की बात करें तो सुदृढ़ है, 1 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं, और पुदुचेरी और कराईकल जैसे स्थानों से ये लोग हैं जो फ्रांस में रहते हैं, और इन्हीं के जरिए ये हम कह सकते हैं कि भारत और फ्रांस के जो सांस्कृतिक संबंध हैं, और इस डायस्पोरा के माध्यम से जो अलग अलग किस्म के सामूहिक कार्यक्रम हैं, जैसे कि इंडिया फ्रांस नॉलेज समिट होने लगा है, हम देखेंगे किस प्रकार से फ्रांस का जो कान फेस्टिवल है वो भारत में कितना पॉपुलर है, और वैसे देखें तो पेरिस में विवेकानंद कल्चरल सेंटर बनाया गया है, और हम अभी भाषा की बात कर रहे थे, फ्रांस को फ्रेंच को भारत में बढ़ावा देने के लिए और भारतीय भाषाओं को फ्रांस में बढ़ावा देने के लिए भी दोनों ही देश साथ काम करें, और इसमें भारत की जो जनता है जो फ्रांस में रह रही है, या मैं कहूं कि कुछ ऐसे फ्रांस के लोग जो भारत में रह रहे हैं, दोनों ही तरफ से इसको लेकर के प्रयास आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो किसी भी देश की का डायस्पोरा होता है असीम, वो उसकी संस्कृति का ध्वजावाहक होता है, तो इसको इस नजरिए से जब हम देखें तो वे भारतीय जो फ्रांस में रह रहे हैं और वे फ्रेंच जो भारत में रह रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं दोनों ही देशों के संबंधों को आगे ले जाने। और इन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त मेहमान नेता जयपुर के हवा महल में इस वक्त पहुंच चुके हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, इससे पहले हमने आपको दिखाया वो जंतर मंतर में मौजूद थे, और इस वक्त दोनों ही नेता जो जयपुर में हवा महल है वहां पे इस वक्त वो मौजूद है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हवा महल,
और यहाँ पे भी उस सांस्कृतिक धरोहर को समझाने और जताने की कोशिश भारत की तरफ से। और बहुत ही महत्वपूर्ण अगर मैं कहूँ हवा महल अपने राजस्थान, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने संस्कृति, अपने पहनावे, त्यौहार और संगीत के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे जो मशहूर किले हैं, जो फोर्ट्स हैं, उनके लिए भी राजस्थान काफ़ी मशहूर हैं। और यहाँ जाकर आप इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलट सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। और ऐसी ही एक जगह है राजस्थान की जो अपने वास्तुकला के लिए काफ़ी मशहूर है, लोगों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। चाहे वो नाहरगढ़ का किला हो, जयगढ़ का किला हो, आमेर फोर्ट हो, ये सारी चीज़ें आप राजस्थान में जब जाएंगे तो आपको मिलेंगी। और उन्हीं में से ये एक जो टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी लोग यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। हवा महल है जिसके लिए दूर दूर से देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं और इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में दोनों ही नेता और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाते हुए कि किस तरह से हवा महल और इसका निर्माण और इसकी क्या कुछ खूबियाँ हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर के कछवाहा शासक महाराजा सवा को देखने के लिए आई हुई है प्रधानमंत्री सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में किया था। और आज ये शहर के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। और जब आप गए होंगे, देखे होंगे, 5 मंजिला ये हवा महल एक समृद्ध इसका जो बाहरी भाग है। और रिकॉर्ड के मुताबिक लालचंद उस्ताद द्वारा भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार में डिजाइन किया गया था इस हवा महल को। हवा महल के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए जो टूरिस्ट वहां जाते हैं वो रैंप का इस्तेमाल करते हैं। और इस स्मारक की जो सबसे आकर्षक, जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें आप देख सकते हैं 900 से ज्यादा छोटी छोटी खिड़कियां हैं, विंडोज हैं, 953 अगर मैं गलत ना हूं, 953 छोटी खिड़कियां हैं। और इनमें काफ़ी बारीक तरीके से नक्काशी की गई है, जिन्हें हम झरोखा भी कहते हैं, तो इन छोटी खिड़कियों को झरोखा भी कहा जाता है। और सालों पहले जब इसका निर्माण किया गया था तो इसके पीछे की वजह यही थी कि ये कई राजपूत परिवारों के लिए गर्मियों के मौसम में एक विश्राम स्थल के तौर पर काम करता था। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ताकि इसमें जो हवा है वो लगातार आती रहे और गर्मियों के दौरान जब यहाँ पे लोग जाएं तो उन्हें भी राहत मिले, हवा उन्हें मिलती रहे। तो आप देखिए जो तस्वीरों में भारत की विरासत आपको दिख रही है, भारत की विरासत के साथ साथ कितनी उन्नत तकनीक थी आर्किटेक्चर की, वो भी आपको दिखाई दे रही है। 5 मंजिला ये इमारत जिसमें जैसा कि बताया अभी असीम ने कि 953 झरोखे, और जो महल में रहने वाले लोग थे इन झरोखों के जरिए जो डेली लाइफ है उससे परिचित होते हैं। और इस वक्त देखिए कुछ शॉपिंग भी चल रही है और दुकानों में जो आर्टिफैक्ट हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं राजस्थान के, खूबसूरत नक्काशी जो नक्काशी के लिए राजस्थानी कला जो है, और भीम UPI जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया। 2 मॉडल इस वक्त काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, एक मॉडल जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज कोई सॉल्यूशन देती हैं और दूसरा मॉडल भारत ने दिया कि आप पब्लिक सेक्टर की तरफ से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या इस प्लेटफॉर्म को बनाएं और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म को सभी लोग इस्तेमाल करें। भीम UPI एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म जिसने डिजिटल पेमेंट्स के इतने सारे रिकॉर्ड बनाए कि पूरी दुनिया में एक अद्वितीय प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। और आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें हवा महल के बाद लोकल शॉपिंग सेंटर्स में जाते हुए भीम UPI के जरिए कैसे लोग पेमेंट्स रिसीव करते हैं इसके बारे में जानकारी देते हुए, और ये भीम UPI कैसे भारत के बैंकिंग सेक्टर को एक धागे में जोड़ करके आपसी लेन देन को कैसे आसान बनाया है उसकी एक तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की एक और उपलब्धि, और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे UPI के जरिए, और न सिर्फ फ्रांस बल्कि बहुत सारे देशों के साथ ये हमने किया है कि वहाँ भी अब डिजिटली UPI के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक आर्थिक तरक्की के तौर पर देखा जा सकता है।
भूटान के साथ भी हमने देखा कि अभी हमने किया, तो इस तरह से तमाम देशों के साथ भारत लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि वहां भी यूपीआई के जरिए पेमेंट संभव हो सके। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन उदाहरण, और मुझे लगता है कि जब ये आर्टिफैक्ट की को देख रहे हैं इस वक्त मेहमान राष्ट्रपति, शायद वो यूपीआई के जरिए अगर वो मुझे लगता है कि शायद पेमेंट करें। उनके हाथ में मुझे अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर प्रतिकृति मुझे दिखाई पड़ रही है। और भीम यूपीआई के बारे में प्रधानमंत्री मेहमान राष्ट्रपति को बताते हुए भारत की ये समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विरासत, और उससे आगे बढ़ते हुए जिस एक जरिए से, जिस एक धागे से अभी पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं, खासकर डिजिटली। हम जानते हैं कि लगातार बीते वर्षों के मुकाबले अभी कुछ डेटा आए थे, अजय बेहतर बता पाएंगे कि कई गुना वृद्धि हुई है बीते वर्षों के मुकाबले इस साल 2023 में, और 2023 के आखिर तक में कि करोड़ों की तादाद में ट्रांजेक्शन हुए हैं अब भी यूपीआई के जरिए। 10 बिलियन का ट्रांजेक्शन हम हर महीने कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड बनाया है हमने, और सिंगापुर के साथ हमने करार कर लिया है, कई सारे देशों के साथ और भी बातें चल रही हैं जिसमें हम यूपीआई को और ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों में आपको तीन चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं। एक तो राजस्थान का आर्टिफैक्ट, वहां के जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर है वो किस तरह से अपने लाखों लोगों को रोजगार देता है। अब एक मंदिर की आप छोटी सी एक प्रतिकृति ही लीजिए जिसका अवलोकन ये दोनों नेता कर रहे हैं, कैसे ये लाखों लोगों को रोजगार देता हुआ आर्टिफैक्ट पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। और हम वोकल फॉर लोकल की बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री लगातार, और खुद वो करके दिखाते हैं। ये एक खूबी है प्रधानमंत्री मोदी की कि जो वो कहते हैं, अपील करते हैं सिटीजन से, नागरिकों से कि आप मदद कीजिए किसी एक मुहिम को चलाने में, उसकी खुद वो जमीन पर उतार करके उसको दिखाते हैं। और कैसे अपने मित्र के तौर पर आप देखिए कि राजस्थान के आर्टिफैक्ट्स को वो इस वक्त साझा कर रहे हैं, वहां की जो तकनीक है उसके साथ साझा कर रहे हैं, और कैसे इंटरेस्ट के साथ इमैनुअल मैक्रों इस वक्त देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट की जो खासियत है, जो डिजिटल पेमेंट की जो एक तस्वीर है वो भी आपको दिखाई दे रही है।
और इस संबंध को कि जो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात लगातार हम कर रहे हैं, किस तरह से भारत और फ्रांस के संबंध आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में एक और नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी, वो फ्रांस के राष्ट्रपति, ऐसे विश्व के पहले नेता जो कि साल 2024 में मेरे ख्याल से वो पहले नेता हैं जो कि भारत की सरजमी पर आए हैं और इतने बड़े फंक्शन में जो कि कल वो शामिल होंगे, तो ये भी एक 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 तौर पे कहा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते किस तरह से नई ऊंचाई। अपने पूर्ण रूप में सामने आ रही है। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जयपुर में रोड शो इस वक्त दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जयपुर में रोड शो इस वक्त दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। और एक झलक पाने के लिए दोनों ही नेताओं की, विश्व स्तर के दोनों ही नेता, इन दोनों की ही झलक पाने के लिए जयपुर की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक, 25 जनवरी का दिन। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों विश्व के पहले की सरजमी पर, और वो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में एम्बेसडर गुरजीत सिंह शामिल होने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं। और इन तस्वीरों के जरिए जयपुर पिंक सिटी, इसका वो मुआयना कर रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। और इससे पहले हमने कहा कि आमेर का किला, जंतर मंतर, इन तमाम जगहों पर वो गए और उन्होंने वहाँ पे देखा। और इस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और नए अध्याय की आज से शुरुआत होने जा रही है। छठे ऐसे नेता वो बन गए हैं जो कि गणतंत्र दिवस परेड में वो शामिल होने के लिए भारत में वो इस वक्त आए हुए हैं। कल गणतंत्र दिवस में आपको वो कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगे। गुलाबी आज उससे पहले शहर गुलाबी नगर के लोग जयपुर में अपने प्रिय नेता हैं, हमने देखा है मंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री और तमाम जो बड़े अतिथि नेता है वो वहां पे उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। भारत और फ्रांस के रिश्तों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर आज के दिन को, इस समारोह को देखा जा सकता है। अजय, ये दृश्य सामान्य नहीं है, ये सांस्कृतिक शोभा यात्रा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ये दोनों उनका देशों वेलकम के बीच कर रहे हैं, ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं, संबंधों की उनकी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पुष्प की बारिश हो रही है। ये और इन्हीं तमाम तस्वीरों मित्रों के एक साथ मिलने कहा अतिथि देवो भव, दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की इमैनुअल मैक्रों भी समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे। ऐसे दृश्य हैं जिस पर केवल फ्रांस और के लोगों का जो निगाहें नहीं है, जो बल्कि समूचा विश्व उन पर इन दृश्यों को देख रहा है कि कैसे दो महाशक्तियां लग पाने के लिए बेताब देख रहे हैं। दुनिया का पुलिस लोग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन लोग उनकी एक झलक पाने के लिए जो कि यूरोजोन की एक बड़ी महाशक्ति है, कैसे दोनों नेता सहज तरीके से, सरल तरीके से बिल्कुल रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए कैसे जन समुदाय है उनका स्वागत कर रहा है, एक झलक पाने के लिए कैसे समूचा जयपुर उमड़ पड़ा है, ये देख रहे हैं। रात्रि में और भी खूबसूरत जगमगाता जयपुर, वहाँ की सड़कें, वहाँ के प्रतिष्ठान लोगों के हुजूम से भरे हुए, और इस शोभा यात्रा का गवाह बनने की कोशिश करते हुए अपने
मोबाइल कैमरों में इस ऐतिहासिक तस्वीर को कैद करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि ये न भूतो न भविष्य की, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं जयपुर के शहर में। इससे पहले अहमदाबाद ने दो राष्ट्र नेताओं को देखा, शिंजो आबे और डोनाल्ड ट्रंप को। जयपुर ने ऐसा कभी नहीं देखा। पहली बार जयपुर को ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के गणतंत्र दिवस परेड से पहले सांस्कृतिक शोभा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए वहाँ के नागरिकों के साथ रूबरू हुए हैं। ये भारत है, ये भारत की विविधता है, ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। कुछ करते हैं और बड़ी बात, अमृत पाल सिंह जुड़े हुए हैं हवा महल। लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको, आपकी आवाज़ के लिए। लेकिन आज ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इमैनुअल मैक्रों समझ रहे हैं, नहीं पा रहे होंगे कि इतनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री, वो बीच बीच में वो कुछ पूछते भी जा रहे हैं उसके बारे में कि वो चीज़ क्या है जो रोचक तरीके से उनको जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं उनको समझाने का। मैक्रों ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि मोदी मोदी की ये जो आवाज़ आ रही है, इतनी पॉपुलैरिटी कैसे, और दोनों ही नेताओं के बीच में एक सिमिलैरिटी ये है कि लगातार दो बार अपने राष्ट्र को नेतृत्व देने का मौका मिला है। इमैनुअल मैक्रों भी दूसरी बार चुने गए लगातार, और प्रधानमंत्री मोदी को भी मौका मिला भारत की सेवा करने का। तो इस वक्त मैक्रों मोदी मोदी की आवाज़ सुन करके उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा रहे होंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश की विरासत को इमैनुअल मैक्रों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बताने की कोशिश शायद ये कर रहे होंगे कि देखिए, ये मेरा एक छोटा सा शहर है और कितना प्यार, कितनी आत्मीयता, कितने गर्मजोशी के साथ यहाँ लोग मिलते हैं अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, इस परंपरा को जीने वाला ये भारत, इस भारतवर्ष का शहर और इस शहर का एक एक व्यक्ति अपने अतिथि के स्वागत में किस तरह से अपने घरों को छोड़ करके इस सर्दी की रात में बाहर निकलता है और जगमगाते जयपुर के बीच स्वागत के लिए तैयार है। न केवल मोदी बल्कि इमैनुअल मैक्रों की भी स्वागत की जो पूरी तैयारियां की गई हैं उसका मुजाहिरा इस वक्त आपको गुलाबी नगर की खूबसूरत सड़कों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जिस बात का जिक्र आज आप कर रहे हैं, गुलाबी ठंड के बीच गुलाबी शहर गुलाबी नगर के लोग अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अतिथि नेता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उनका वेलकम कर रहे हैं, ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पुष्प की बारिश हो रही है। और इन्हीं तमाम तस्वीरों को भारत का, जैसा कि आपने कहा, अतिथि देवो भव, उन्हीं बातों को चरितार्थ करते हुए इमैनुअल मैक्रों भी समझ पा रहे होंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह जयपुर में रोड शो यहाँ के लोगों का जो राष्ट्र अध्यक्ष कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस का आया जा रहा है इमैनुअल मैक्रों, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दोनों ही नेताओं की, पुलिस के लोग उन्हें कंट्रोल करने की दोनों ही नेता इन दोनों की झलक पाने के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं जगह जगह, आप देख सकते हैं तस्वीरों में आज का दिन किस तरह से ऐतिहासिक भारत 25 जनवरी का दिन, संबंध से संबंधित जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं और इस संबंध को कि जो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात लगातार हम कर रहे हैं, किस तरह से भारत और फ्रांस के संबंध आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में एक और नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी, वो फ्रांस के राष्ट्रपति ऐसे विश्व के पहले नेता जो कि साल 2024 में मेरे ख्याल से वो पहले नेता हैं जो कि भारत की सरजमी पर आए हैं और इतने बड़े फंक्शन में जो कि कल वो शामिल होंगे, तो ये भी एक तौर पे कहा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते किस तरह से नई ऊंचाइयों पर छूते जा रहे हैं। और इन तस्वीरों में जयपुर की जनता उनके स्वागत के लिए वहाँ पर इतनी ठंड में भी, जबकि अब शाम के 7 बजने वाले हैं, वहाँ पे वो मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए। आपसे कुछ ही देर के बाद वो हवा महल पहुँचेंगे, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये देखिए इस होर्डिंग्स में इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप को लेकर यहाँ पे चर्चाएं की जा रही हैं। तो ये डॉक्टर अंशु बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के ज़रिए भारत इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो संबंध मजबूत हैं उसको एक और नए अध्याय तक पहुँचाने की कोशिशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संबंधों को देखते हैं तो एक विश्वास की कड़ी है, बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, जो दोनों ही देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक अलग किस्म की मैत्री के बंधन में बांधती है। और उसी को ये दोनों जो
शक्तिमान नेता मुझे इस समय नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लोग जयपुर के उनका झूम झूम कर अभिवादन कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा विहंगम दृश्य मैं कहूंगी, और वैश्विक राजनीति की दृष्टि से भी और दोनों ही देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको भी आगे ले जाने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य। देखिए पोस्टर दिख रहा है माननीय प्रधानमंत्री का, लीडर ऑफ भारत, मेरा भारत लीडर ऑफ भारत भारत। और जो हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से इंडिया को भारत के तौर पर पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, उसका कहीं ना कहीं बड़ा एक ये सुंदर मुझे दृश्य दिखाई पड़ रहा है। लोग अभिवादन कर रहे हैं और ये एक लीडर्स टू पीपल कनेक्ट होते हुए मैं देख पा रही हूँ। और हम देखते हैं कि कैसे जब हम भारत फ्रांस संबंधों की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल पिलर, इंफ्रास्ट्रक्चरल पिलर, इकोनॉमिक पिलर और एकेडमिक पिलर, ये चार ऐसे स्तंभ हैं जिस पर दोनों ही देशों के सामरिक संबंध प्रगाढ़ होते चले आए हैं। यहाँ मैं एक और स्तंभ जोड़ना चाहती हूँ, पीपल्स पिलर, जिस तरह से लोग अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और जिस प्रकार से जयपुर की गुलाबी धरती को मैक्रॉन ने देखा होगा तो अभिभूत तो वो भी हुए होंगे। और मुझे लगता है कि ये जो एक सांस्कृतिक संबंध दोनों ही देशों के हैं, ये एक सामरिक संबंधों के नए अध्याय के रूप में फलित होते हुए हमें निश्चित तौर पर नजर आएंगे। एम्बेसडर गुरजीत सिंह, जब हम कहते
ज्यादा आ रहा है बहुत। और जगह जगह आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से भारत फ्रांस मैत्री संबंध से संबंधित जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं, और इस संबंध को कि जो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात लगातार हम कर रहे हैं, किस तरह से भारत